नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज किस वीडियो में बिहार पुलिस एग्जाम में आने वाले GK GS के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आने वाले बिहार पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। तो आप जो प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए। अगर आप लोग दिन रात मेहनत करके बिहार पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे इस 40 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट में आप 25 प्रश्न सही करके दिखाइएगा। अगर आप 25 प्रश्न सही नहीं कर पाते तो आप टाइम पास कर रहे हैं और अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं, पढ़ाई के नाम पर अपने आप को और अपने माता पिता को धोखा दे रहे हैं। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने का इसे आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी बिहार पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। और आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 40 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट स्पेशली फॉर बिहार पुलिस एग्जाम। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि मुगल चित्रकारी किन के शासनकाल में पराकाष्ठा पर थी। तो किन के शासनकाल में मुगल चित्रकारी पराकाष्ठा पर थी, तो ये थी जहांगीर के शासनकाल में। किसके? जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकारी पराकाष्ठा पर थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी। तो कब स्थापित की थी अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री, ये आपको बताना है। तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी 1608 में। कब? 1608 में। कहाँ स्थापित की थी? तो ये स्थापित की थी इन्होंने सूरत में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मराठा राज का दूसरा संस्थापक कौन था। तो कौन था मराठा राज का दूसरा संस्थापक, ये आपको बताना है। तो कौन था मराठा राज का दूसरा संस्थापक? तो इसका दूसरा संस्थापक था बालाजी विश्वनाथ। कौन? बालाजी विश्वनाथ ये मराठा राज का दूसरा संस्थापक था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नादिर शाह किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो किसके शासनकाल में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था, ये आपको बताना है। तो ये किया था उसने मोहम्मद शाह के शासनकाल में। किसके? मोहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासन किनका था। तो किनका था सबसे लंबा शासनकाल, ये आपको बताना है। तो ये अकबर का सबसे लंबा शासनकाल था। किसका? अकबर का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किनके अनुशंसा पर पड़ी। तो किनके अनुशंसा पर भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी? तो ये पड़ी थी लॉर्ड मैकाले के अनुशंसा पर। किसके? लॉर्ड मैकाले के अनुशंसा पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ऑपरेशन फ्लड के सूत्राधिकार कौन थे। तो कौन थे ऑपरेशन फ्लड के सूत्राधार? तो इसके सूत्राधार थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ पर है भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय, ये आपको बताना है। तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में भारत मानक ब्यूरो का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि तीसरी तथा चौथी योजना के मध्य कितने वर्ष का योजना विकास रहा। तो कितने वर्ष का योजना विकास रहा था तीसरी तथा चौथी पंचवर्षीय योजना के मध्य? तो ये रहा था 3 वर्ष का। कितना? 3 वर्ष का रहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा किस राह से होकर नहीं गुजरती है। तो किस राह से होकर नहीं गुजरती है कर्क रेखा, ये आपको बताना है। तो कर्क रेखा नहीं गुजरती है आंध्र प्रदेश से। किससे? आंध्र प्रदेश से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है। तो किसके साथ है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा, ये आपको बताना है। तो ये है बांग्लादेश के साथ। किसके? बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बाहर समुद्र पर भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन है। तो कौन सा है समुद्र पर भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश? तो ये है श्रीलंका। कौन? श्रीलंका है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है। तो कितनी है हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग? तो ये है 6100 मीटर। कितनी? 6100 मीटर हिमालय की औसत ऊंचाई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस अक्रिय गैस को छोड़कर उसके बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो किसकी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये होते हैं हीलियम की कक्षा में। किसके में? हीलियम की कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हड्डियों में कितना प्रतिशत फास्फोरस होता है। तो कितने प्रतिशत फास्फोरस होता है हड्डियों में, ये आपको बताना है। तो हड्डियों में होता है 8%। कितना? हड्डियों में 8% फास्फोरस होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस गैस से सड़ी मछली की तरह गंध आती है। तो किस गैस से आती है सड़ी हुई मछली की तरह गंध? तो ये आती है ओजोन से। किससे? ओजोन से आती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या? तो ये होती है आधी। कितनी? आधी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर लिखने से अक्षर उभरते हैं? तो किस बल के कारण उभरते हैं? तो ये उभरते हैं असंजक बल के कारण। किसके? असंजक बल के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि पीतल के बर्तनों पर किसकी पॉलिश की जाती है। तो किसकी की जाती है पीतलों के बर्तन पर पॉलिश? तो पीतल के बर्तनों पर की जाती है निकिल की पॉलिश। किसकी? निकिल की पॉलिश की जाती है पीतल के बर्तनों पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि स्वप्नों की अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है स्वप्नों के अध्ययन को, ये आपको बताना है। तो स्वप्नों के अध्ययन को कहा जाता है ओनिरोलॉजी। कौन सी? ओनिरोलॉजी कहा जाता है स्वप्नों के अध्ययन को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समानता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो किस अनुच्छेद से है समानता का अधिकार, ये आपको बताना है। तो समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से। किससे? अनुच्छेद 14 से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान देने का अधिकार है। तो किस अनुच्छेद के तहत है राज्यपाल को क्षमा देने का अधिकार? तो ये अनुच्छेद 161 के तहत। किसके? अनुच्छेद 161 के तहत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान देने का अधिकार है। तो किस अनुच्छेद के तहत है राष्ट्रपति को क्षमादान देने का अधिकार? तो ये है अनुच्छेद 72 के तहत। किसके? अनुच्छेद 72 के तहत है राष्ट्रपति को क्षमादान देने का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। तो किस भाग में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन? तो ये है भाग 20 में। किस में? भाग 20 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संचित निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो किस अनुच्छेद से है संचित निधि का संबंध? तो संचित निधि का संबंध है अनुच्छेद 266 के पहला से। किससे? अनुच्छेद 266 के पहला से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि लोक लेखा निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो किस अनुच्छेद से है लोक लेखा निधि का संबंध? तो इसका संबंध है अनुच्छेद 266 के दूसरा से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आकस्मिक निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो किस अनुच्छेद से आकस्मिक निधि का संबंध? तो ये है अनुच्छेद 267 से। किससे?
267 से आकस्मिक निधि का संबंध है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ पर है इंटरपोल का मुख्यालय, तो इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स, कहाँ लियोन्स में है इंटरपोल का मुख्यालय, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन है, तो कौन है विश्व स्वास्थ्य संगठन की एकमात्र महिला अध्यक्ष, तो ये हैं डॉक्टर सुशीला नायर, कौन डॉक्टर सुशीला नायर विश्व स्वास्थ्य संगठन की एकमात्र महिला अध्यक्ष हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत भारती के लेखक कौन है, तो कौन है भारत भारती के लेखक ये आपको बताना है, तो भारत भारती के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त, कौन से मैथिली शरण गुप्त हैं भारत भारती के लेखक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुडापेस्ट किस नदी के तट पर स्थित, यानी हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये स्थित है डेन्यूब नदी के तट पर, किसके डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है बुडापेस्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं, तो कुल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार ये आपको बताना है, तो जो कुल नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं छः क्षेत्रों में, कितने में छः क्षेत्रों में दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मलयालम किस राज्य की राजभाषा है, तो किस राज्य की राजभाषा है मलयालम ये आपको बताना है, तो मलयालम है ये है केरल राज्य की राजभाषा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे एम्पायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज कौन है, तो कौन है तीसरे एम्पायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज, तो ये है सचिन तेंदुलकर, कौन है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अयोध्या का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, तो किस नदी के तट पर स्थित है अयोध्या का मंदिर, तो ये स्थित है सरयू नदी के तट पर, किसके सरयू नदी के तट पर स्थित है अयोध्या का मंदिर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष से की गई, तो कब से शुरुआत की गई भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत, तो ये की गई है 1954 से, कब से 1954 से भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत की गई है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीरू स्वामी पिल्लई का संबंध किससे है, तो किससे है नीरू स्वामी पिल्लई का संबंध, तो नीरू स्वामी पिल्लई का संबंध है नाद स्वरम से, किससे नाद स्वरम से नीरू स्वामी पिल्लई का संबंध है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है नंदा देवी पर्वत ये आपको बताना है, तो नंदा देवी पर्वत स्थित है भारत के उत्तराखंड राज्य में, कहाँ उत्तराखंड राज्य में स्थित है नंदा देवी पर्वत, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली किस नदी किनारे बसा है, तो किस नदी किनारे बसा है दिल्ली ये आपको बताना है, तो दिल्ली बसा है यमुना नदी के किनारे, किसके यमुना नदी के किनारे दिल्ली बसा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कटक किस नदी के किनारे बसा है, तो किस नदी के किनारे बसा है कटक ये आपको बताना है, तो कटक बसा है महानदी किनारे, किसके महानदी किनारे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताएं कि आपने हमारे इस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद प्यारे साथियों।